बड़ी खबर रीवा से है, जहां कचरा डंपिंग प्लांट में लगी भीषण आग। नगर निगम के कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि जनहानि की कोई फिलहाल सूचना नहीं है। दो फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है, तो आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात है। रीवा के रानीगंज की पूरी घटना बताई जा रही है और मामले की जांच में कोतवाली थाना पुलिस जुटी है। तो बड़ी खबर आपको रीवा से बता रहे हैं, जहां कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है। तो नगर निगम के कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है। फिलहाल आग लगने के कारण अज्ञात है। मामले की जांच में कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। तो मौके पर मौजूद दमकल की कई गाड़ियों ने आग काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने की वजह जो है निकलकर सामने नहीं आई है कि आग किन कारणों के चलते लगी है। तो बड़ी खबर आपको रीवा से बता रहे हैं, जहां कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि नगर निगम के कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग लगने के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको रीवा से बता रहे हैं, जहां कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है। नगर निगम के कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है। आग लगने के कारण अज्ञात है और मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक तरीके से लगी है। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं और आग लगने के कारणों की जांच में प्रशासन जुटा हुआ है। तो मौके पर मौजूद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है कि आग किन कारणों के चलते लगी है। फिलहाल आग लगने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। रीवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जब कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रद्युमन जुड़ चुके हैं। प्रद्युमन, कैसे आग लगी, फिलहाल क्या कुछ अधिक जानकारी, किन कारणों के चलते आग लगी है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, रीवा शहर के रानीगंज में नगर निगम के कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है। यहां तक रिहायशी इलाके में नगर निगम का है डंपिंग प्लांट, अनहोनी हालांकि नहीं हो पाई, कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई है। अनहोनी ये कहा जाए कि स्थानीय लोगों ने सही मौके पर प्रशासन को जानकारी दी, जहां प्रशासन मौके पर पहुंचा और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल तो ये है उदय, कि नगर निगम की लापरवाही ये है कि वहीं पर आबादी वाला क्षेत्र है जी, और उस आबादी वाले क्षेत्र के बीच में ये कचरा प्लांट बनाया गया है। तो सबसे बड़ी लापरवाही तो मैं ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी की, सॉरी माफ कीजिएगा, नगर निगम की है कि आबादी वाले क्षेत्र के बीचों बीच एक कचरा डंपिंग प्लांट बनाया गया जी। प्रद्युमन, अगर बात की जाए तो डंपिंग प्लांट जब बनाया जाता है तो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की जाती है, ताकि जो कचरा है उसका निस्तारित सही तरीके से उसका किया जा सके, इस तरह से खुले में ना छोड़ा जाए, क्योंकि कई बार जो है असामाजिक तत्व जो है वो इस तरह के क्रम कर देते हैं, आग लगा देते हैं, जिसके चलते कई बार बड़े हादसे भी देखने को मिले। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी घनी बस्ती, घने एरिया में कचरा डंप क्यों किया जा रहा है, और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल उदय, यहाँ पर बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी लापरवाही नगर निगम की है कि घने आबादी वाले क्षेत्र के बीचों बीच कचरा डंपिंग प्लांट बनाया गया है। फिर असामाजिक तत्वों को आवागमन तो रहता ही है, और उस दौरान अगर कहीं पर कोई ऐसी वारदात जैसे सामने यही आया कि हो न हो असामाजिक तत्वों के द्वारा ही ये घृणित कार्य किया गया। फिर बड़ा सवाल तो ये है कि जब ऐसी हरकत होती है और यहाँ शहर के बीचों बीच आबादी वाले क्षेत्र में अगर इस ढंग से कार्य किया जाएगा जी, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े होंगे। जब कचरा प्लांट बनाया गया तो उसके पहले इंजीनियर गए होंगे, नगर निगम आयुक्त भी गए होंगे, जिला कलेक्टर गए होंगे, सभी अधिकारी कर्मचारी वहां मौजूद रहे होंगे, फिर भी लापरवाही है। और ये कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, जहां पर हालांकि दो दो पुलिस फायर ब्रिगेड पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। अगर बात करें तो
कहीं ना कहीं जिस तरह से लापरवाही सामने आई है उसमें रहवासियों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा हादसे में तब्दील भी हो सकता था, लेकिन मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ऐसे में इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है? देखिए, यहाँ पास मैं उधर ये बताना चाहूंगा कि जो स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला, मौके पर वहां जब जाया गया तो प्रशासन के सामने भी थोड़ा सा लोगों में आक्रोश देखने को मिला, लेकिन प्रशासन का क्या है, प्रशासन तो सीधे आश्वासन देती है कि ठीक है मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अब वो जांच सिर्फ मौखिक रूप से तो बोल दिया गया, अब ये जांच कब तक पूरी होगी, कब तक ठोस कार्रवाई होगी, ये नहीं कहा जा सकता। जी प्रद्युमन, अगर बात करें आग लगने के चलते, हम देखते हैं कि कई तरह की दिक्कतें भी सामने आ जाती है, और दूसरी बात यह भी है कि जब कचरा डंप किया जाता है ऐसी जगह पर जहां पहले से लोग रहते हैं तो कई बार गंदगी फैलती है, कचरा डंप करने के चलते कई बार बदबू भी आती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने क्या कुछ मांग की है, क्या स्थानीय लोग चाह रहे हैं कि इस तरह की समस्या का समाधान हो? उदय प्रशासन एक ये कहा जाए कि आजकल गरीबों की तो सुनता नहीं है, सुनता भी है तो सिर्फ आश्वासन देता है, तो वहां पर लोगों के द्वारा ये मांग भी की गई कि यहां से हटा दिया जाए, उस पर प्रशासन के द्वारा विचार करने की बात कही गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कब तक उस पर कार्रवाई अथवा उसका स्थानांतरण किया जाता है। जी जी प्रद्युमन, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको रीवा से बता रहे हैं, जहां कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है। नगर निगम के कचरा डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगी है, वही मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग किन कारणों के चलते लगी इस बात की अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है।